हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमारा टॉपिक क्या है और सिलेबस क्या था। तो हमारे जो टॉपिक था उसमें पहला टॉपिक था इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए आज हम उस टॉपिक पे बात करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो आगे अपने स्क्रीन पे, तो सबसे पहले क्या होता है कंप्यूटर, क्या होता है? तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं, ठीक है। इसका डिफिनेशन है कि यह एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा इनपुट किए गए डाटा को इनपुट डिवाइस से स्वीकार करती है, फिर उसे प्रोसेस करने के बाद सूचनाओं को आउटपुट डिवाइस के द्वारा रिजल्ट के रूप में दिखाता है। अगर हम जो भी इनपुट देते हैं तो इनपुट कैसे देंगे? कीबोर्ड, माउस, इसके थ्रू इनपुट दे पाएंगे। और इसको अगर कोई इनपुट देते हैं, कोई कमांड देते हैं, तो कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है और उसे डिस्प्ले, मोनिटर, स्पीकर के द्वारा हमें आउटपुट के रूप में दिखाता है, ठीक है। इसमें इसमें डाटा को स्टोर भी कर सकते हैं, हालांकि आजकल तो क्लाउड पे भी स्टोर होता है, उसके बारे में आगे हम जानेंगे। कंप्यूटर का नाम कंप्यूटर ही क्यों पड़ा? तो कंप्यूटर जो है लैटिन भाषा का शब्द कंप्यूट से बना हुआ है, जिसका मतलब ही होता है गणना करना, ठीक है। ये जो है हमारा ये कंप्यूटर है और ये भी हमारा कंप्यूटर है, बस फर्क इतना है कि इसको डेस्कटॉप कंप्यूटर बोला जाता है, इसको लैपटॉप कंप्यूटर बोला जाता है। डेस्क पे रहता है इसलिए इसका नाम डेस्कटॉप है, और ये लैप यानी कि इसको हम गोद में भी लेकर के भी, या कहीं टेबल पे लेकर के भी, या हाथ में लेकर के भी इसको चला सकते हैं, इसलिए इसका नाम लैपटॉप पड़ा है। दोनों का काम सेम है, दोनों एक ही चीज़ है। ये मोनिटर यहाँ है, इसका मोनिटर ये है। सीपीयू है, तो सीपीयू इसके अंदर नीचे जो रहता है हिडन रहता है, ठीक है। ये कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड है यहाँ पे, और ये माउस, टच पैड जो माउस का ही काम करता है, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंप्यूटर से क्या क्या कर सकते हैं। जैसा कि साहब हम सभी लोग जानते हैं कंप्यूटर से क्या क्या वर्क होता है, तो लेकिन हम इसको एक पॉइंट वाइज देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में है विभिन्न सॉफ्टवेयर जैसे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, इसके इस्तेमाल से हम डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, जैसे स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन आदि हम लोग तैयार कर सकते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट के लिए म्यूजिक सुनना, मूवी देखना और वीडियो गेम खेलना जैसी कई गतिविधियां जो है इसके द्वारा की जा सकती है, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पर्सनल इंफॉर्मेशन, फाइल और विभिन्न प्रकार के डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर फैमिली और दोस्तों से जुड़ सकते हैं। सोशल मीडिया क्या होता है? जैसे कि हमारा फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इसका यूज करके हम अपने दोस्त से जुड़े रहते हैं, फोटो, अपना बात विचार आदि शेयर करते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेट से कनेक्ट कर वेब ब्राउज कर सकते हैं। नेक्स्ट है पिक्चर और वीडियो एडिट कर सकते हैं। जब भी हम लोग फोटो देखते हैं, वीडियो देखते हैं या मूवी देखते हैं, वो सारा कंप्यूटर के द्वारा ही एडिट किया जा सकता है। ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। ऑनलाइन सेवा जैसे क्या? मोबाइल रिचार्ज करना हुआ, बैंकिंग हुआ, मोबाइल ऑर्डर करना हुआ, ई कॉमर्स वेबसाइट जितना भी है, कोई भी चीज़ हमें घर मंगाना हो, वो सारा चीज़ हम ये कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं। ईमेल भेज और प्राप्त भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम कंप्यूटर का वर्किंग समझते हैं कि कंप्यूटर काम कैसे करता है, असल में होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग कोई इनपुट देते हैं, ठीक है। इनपुट थ्रू वो जाता है सिस्टम में, उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद वो आउटपुट देता है। इनपुट हम कैसे करेंगे? इनपुट करने के लिए हमें जैसे कि कीबोर्ड है, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, कैमरा हो गया, इसके द्वारा कंप्यूटर में इनपुट हम लोग कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को भेज सकते हैं, ठीक है। फिर उसका कंप्यूटर जो है, इसका जो सीपीयू है, उसको प्रोसेस करता है, ठीक है। और हमारे कमांड के अकॉर्डिंग जो हम उसको ऑर्डर देते हैं, जो चीज़ करने के लिए हम बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो डिस्प्ले पे, स्पीकर पे हमें आउटपुट देता है, ठीक है। और ये जो हमारा है स्टोरेज, अगर हम चाहेंगे कोई भी फाइल को सेव करना, जो भी हम काम कर रहे हैं उसको भी सेव करना हो, जो भी हमें भविष्य में यानी फ्यूचर में हम उसका फिर से यूज देना हो, तो स्टोरेज को हम सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं ये इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज, इसका क्या होता है, इसका डिफिनेशन देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है? इनपुट है, तो यह निर्देश अथवा कमांड जो यूजर द्वारा कंप्यूटर को दी जाती है उसे इनपुट कहते हैं। ऐसा करने के लिए यूजर इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड और माउस इत्यादि का उपयोग करते हैं। इसके अलावा डेटा को सिस्टम में कई अन्य तरीकों से भी एंटर किया जा सकता है, जैसे कि मैंने बताया
माइक्रोफोन हो गया, कैमरा हो गया, स्कैनर हो गया, उसके द्वारा भी हम लोग कंप्यूटर अपने डेटा को इंटर कर सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं। ठीक है, ये बीच की कड़ी हो गया प्रोसेसिंग। ठीक है, इनपुट और आउटपुट के बीच में होता है प्रोसेसिंग, जो कि हमें प्रोसेस करके देता है। इसके अंतर्गत कंप्यूटर यूजर द्वारा इनपुट किए गए डेटा के आधार पर प्रोसेसिंग करता है। इस कार्य के लिए इसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू जिम्मेदार होता है। यह यूजर द्वारा इनपुट किए गए डेटा में हेर फेर करके उसे सार्थक जानकारी में कन्वर्ट करता है। अगर हम इनपुट दिए 2+2 तो प्रोसेस करके वो हमें आउटपुट देता है 4। ठीक है, वही ये इनपुट किए गए डेटा में हेर फेर करके उसे सार्थक जानकारी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, आउटपुट क्या है? इनपुट किए गए डेटा की प्रोसेसिंग करने के बाद कंप्यूटर उसे आउटपुट डिवाइस को भेज देता है ताकि वह यूजर को प्राप्त हो सके। मुख्य रूप से आउटपुट को प्रदर्शित करने के लिए डिस्प्ले डिवाइस का उपयोग किया जाता है। जो भी आप कंप्यूटर में करते हैं वह सब इसी डिस्प्ले पर दिखाई देता है। ठीक है, अगर हम कोई मूवी देखते हैं, सपोज दैट कोई मूवी प्ले हो रही है, तो मूवी प्ले होने के लिए अगर स्पीकर ना हो और सिर्फ डिस्प्ले ही रहे तो हम तो देख तो सकते हैं लेकिन सुन नहीं सकते, तो उसके लिए क्या है, एक और आउटपुट डिवाइस की जरूरत पड़ेगी। तो आउटपुट डिवाइस क्या हो गया? स्पीकर हो गया। ठीक है, अब स्टोरेज। स्टोरेज में क्या होता है? इस स्टेप में यूजर प्रोसेस किए गए डेटा अथवा जानकारी को भविष्य में उपयोग करने के लिए कंप्यूटर में स्टोर करता है। अब हम देखेंगे कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, इसका मतलब है कंप्यूटर के कौन कौन घटक होते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम अपने आसपास के वातावरण से बातचीत करने के लिए कंप्यूटर पेरिफेरल या इनपुट आउटपुट डिवाइस का उपयोग करता है। अब जानेंगे कि पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है। वैसा डिवाइस जो इनपुट का भी काम करे और आउटपुट का भी काम करे, जैसे कि हमारा प्रिंटर हो गया। प्रिंटर में क्या होता है, स्कैनर से हम लोग इनपुट ले सकते हैं और प्रिंटआउट से हम लोग आउटपुट ले सकते हैं। जैसे कि हम किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है तो स्कैन करके हमारा उसका सॉफ्ट कॉपी मिल जाता है, और सॉफ्ट किसी भी सॉफ्ट कॉपी को यानी जो हम वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाए उससे हमें आउटपुट चाहिए तो उसको प्रिंटर से हम लोग हार्ड कॉपी के रूप में आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है, तो सभी प्रकार के कंप्यूटर का बेसिक स्ट्रक्चर एक जैसा ही होता है। जो भी कंप्यूटर का बेसिक स्ट्रक्चर, जो काम करने का तरीका, सबका सेम ही होता है, लेकिन कंप्यूटर की इंटरनल डिजाइन यानी कि संरचना विभिन्न प्रकार का और आकार की होती है। जैसे कि बहुत से आप सुने होंगे कितना जीबी का हार्ड डिस्क है, कितना रैम है, साइज क्या है, ये सारा चीज। तो इसके अंतर्गत हमें क्या क्या आता है? सबसे पहला है इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सीयू, एएलयू, मेमोरी। ठीक है, इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट हमने कभी पढ़ा, ठीक है, उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं अच्छे से फिर से। तो इनपुट यूनिट कंप्यूटर सिस्टम की वह यूनिट जिसके द्वारा कमांड या इंस्ट्रक्शन को लिया जाता है, इनपुट यूनिट कहलाती है। उदाहरण कीबोर्ड, माउस, ट्रैकबॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर, बारकोड रीडर इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट है आउटपुट यूनिट कंप्यूटर सिस्टम की वह यूनिट जिसके द्वारा दिए गए कमांड व इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करके रिजल्ट दर्शाया जाता है, उसे आउटपुट यूनिट कहा जाता है। उदाहरण मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? मेमोरी यूनिट। यह नेक्स्ट टॉपिक मेमोरी यूनिट या कंप्यूटर की स्टोरेज यूनिट होती है। कंप्यूटर मेमोरी मानव मस्तिष्क के समान होती है जो डेटा इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। कंप्यूटर मेमोरी एक स्टोरेज स्पेस है जहाँ डेटा और इंफॉर्मेशन को रखा जाता है जिसको प्रोसेस किया जाना है। और मेमोरी में तीन प्रकार होता है। कंट्रोल यूनिट, सीयू का पूरा नाम कंट्रोल यूनिट होता है, यह पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है तथा यह सीपीयू का मुख्य भाग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। जितना भी कैलकुलेशन होता है, चाहे जो भी दिमाग लगाने का काम होता है, कंप्यूटर जो है लॉजिक बेस्ड पे बना होता है। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? ALU का अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के अर्थमेटिक, गणितीय व लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। यह कंप्यूटर सिस्टम की मुख्य यूनिट होती है। अब देखेंगे कि CPU क्या होता है। तो कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट मिलकर CPU का निर्माण करते हैं। CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, कंप्यूटर का जो दिमाग होता है वो CPU को ही कहा जाता है। CPU पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है। अगर CPU ना हो तो हमारा कंप्यूटर कोई काम का नहीं, क्योंकि जितना भी सॉफ्टवेयर होता है वो CPU के अंदर ही होता है, प्रोसेसर CPU के अंदर ही होता है। ओके, और नेक्स्ट है देयर आर टू मेन कंपोनेंट हु मेक्स कंप्यूटर। जो मेजर जो कंपोनेंट है, अगर इसके बिना कंप्यूटर
हो ही नहीं सकता है। ठीक है, पहला क्या है हार्डवेयर एंड दूसरा क्या है सॉफ्टवेयर। सपोज दैट अगर हमारे पास कोई कंप्यूटर है उसमें कोई विंडोज या कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना हो, विंडोज हो, मैक ओएस हो या लिनक्स हो, कोई इंस्टॉल ना हो तो कोई काम का नहीं है, वो एक डब्बा है। हार्डवेयर ही ना हो तो हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किस में करेंगे, है ना। तो वही दो मेजर कंपोनेंट है जो दोनों मिल करके कंप्यूटर बनाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कंप्यूटर और मानव मस्तिष्क यानी इंसान और कंप्यूटर में क्या अंतर है, इसके बारे में देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। कंप्यूटर एक मशीन है जो कि बिजली के द्वारा चलती है, जबकि ह्यूमन बींग यानी कि इंसान एक जीता जागता इंसान है जो सांस लेता है और खाने पीने को उसको आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटर में उसका दिमाग सीपीयू होता है क्योंकि उसके सारे इंस्ट्रक्शन सीपीयू द्वारा उसे मिलते हैं जिसके बाद वो कार्य करता है, जबकि इंसान का दिमाग उसके सिर के अंदर होता है और अपने दिमाग और मन की बात सुनते वो कार्य करता है। मेजर यही डिफरेंस है कि हम कंप्यूटर को जो ऑर्डर देंगे, जो निर्देश देंगे, जो कमांड देंगे उसी के अनुरूप काम करेगा, लेकिन हमारा मस्तिष्क खुद से सोच सकता है, खुद से विचार कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटर मानव को नहीं चला सकता है जबकि मानव कंप्यूटर को चला सकता है। कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है जो कि बनाया कौन है, इंसान ही ने बनाया है। और कंप्यूटर क्यों बनाया है, इंसान अपने यूज के लिए बनाया है, ना कि कंप्यूटर ने इंसान को बनाया है। आगे क्या है, कंप्यूटर और मानव दोनों ही बिजली का प्रयोग करते हैं, लेकिन कंप्यूटर के लिए बिजली उसका भोजन है जिसके बिना वो नहीं चल सकता, जबकि मानव बिजली को अपनी जरूरत के अनुसार उपयोग करता है। बिजली मानव का भोजन नहीं, उसकी सुविधा का साधन है। बिजली अगर इंसान को लगे तो इंसान मर भी सकता है, लेकिन बिजली अगर कंप्यूटर को है और वो नहीं रहे तो कंप्यूटर कोई अस्तित्व ही नहीं है। नेक्स्ट है मानव सांस लेता है, उसके अंदर दुख सुख व्यक्त करने और महसूस करने की भाव और भावनाएं होती है, जबकि कंप्यूटर न तो सांस लेता है और न ही दुख आदि को समझता है। कंप्यूटर के अंदर आत्मा नहीं होती, जबकि मानव के अंदर आत्मा होती है जिसके शरीर छोड़ देने पे शरीर मृत हो जाता है। एक तरह से कह सकते हैं कि कंप्यूटर की आत्मा भी बिजली ही है। ठीक है, अब इसको हम अच्छे से समझते हैं। जैसे कि मान के चलिए आपको अगर कोई दिया गया कैलकुलेशन यानी कि गणना करने के लिए, अगर बोलेंगे 2 + 2 कितना होता है, आप तुरंत बोलिएगा 4। ठीक है, और यही हम बोले कि 5503 + 9618 कितना होता है, इसमें आपको टाइम लग जाएगा, आपको क्या हमें भी टाइम लग जाएगा, कुछ सेकेंड ही सही समय लगेगा, लेकिन कंप्यूटर के लिए आपको तुरंत रिजल्ट दे देता है, इसलिए इसकी गति बहुत तेज होती है। इसका जो है कैलकुलेशन जो होता है माइक्रो सेकेंड में होता है, नैनो सेकेंड में भी होता है, और क्या है पिको सेकेंड तक भी इसको मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एक्यूरेसी यानी कि काम की शुद्धता। कंप्यूटर तेज होने के साथ साथ एक्यूरेट भी होता है, सेकेंड में यह सही इनपुट देने पर सही आउटपुट ही देता है, थर्ड में क्या है इसकी गणना 100% एरर फ्री होती है, फोर्थ में इसके परिणामों की शुद्धता मानव परिणामों की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। चलिए इसको हम समझते हैं, अगर हम बहुत सारे कैलकुलेशन करते हैं तो इंसान की फितरत की गलती हो ही जाती है, लेकिन कंप्यूटर के केस में ऐसा नहीं है। कंप्यूटर की गलती तभी होती है जब आप उसे गलत कमांड देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 2 + 2 = 4 हो और उसमें 2 प्लस की जगह माइनस करते हैं तब जाके आपको 0 रिजल्ट देता है, यानी कि आपकी गलती है, कंप्यूटर की गलती नहीं है। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर जो है एक्यूरेसी जो हिसाब से अगर हम उसे काम देंगे वही हमें आउटपुट देगा, वो भी एक्यूरेट देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है स्टोरेज, स्टोरेज कैपेसिटी यानी भंडारण क्षमता। मानव की तुलना में कंप्यूटर मेमोरी बहुत ज्यादा होती है, कंप्यूटर मेमोरी को कम या ज्यादा किया जा सकता है जो हम इंसान नहीं कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कंप्यूटर में ऑडियो वीडियो इमेज टेक्स्ट आदि प्रकार का डाटा स्टोर किया जा सकता है। फोर्थ, किसी एक कंप्यूटर की स्मृति को दूसरे कंप्यूटर के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम इसके बारे में जानते हैं, अगर आपको मैं कहूँ कि परसों या 2 दिन पहले आपने क्या खाना खाया था सुबह में, आप नहीं बता सकते, बट यह अगर मैं कंप्यूटर से अगर हिस्ट्री में देखूँ, अगर कंप्यूटर कोई भी काम में सेव कर दूँ तो 2 दिन पहले क्या कई वर्षों पहले का भी हिस्ट्री हम देख सकते हैं, किस टाइम में क्या किए थे, यानी कि ये स्टोर करके रखता है
हमारा जैसे कि हमारा दिमाग में क्या है, एक टाइम में हम लोग एक ही काम कर सकते हैं, लेकिन ये मल्टीटास्क भी कर सकते हैं। और इसमें हम बहुत मतलब ये जो स्टोरेज है उसको हम बढ़ा भी घटा भी सकते हैं। हर कोई जैसे कि इसको स्टोरेज के और MB GB KB इत्यादि में नाम मापा जाता है। नेक्स्ट क्या है, पारिश्रमिक। कंप्यूटर बहुत मेहनती और थकान मुक्त उपकरण है। हम इंसानों की तरह थकावट, उबाऊपन, ध्यान केंद्रित नहीं होना आदि समस्या कंप्यूटर को नहीं होती है। यह एक ही काम को बिना थके बार बार समान शुद्धता से कर सकता है। कंप्यूटर बिना थके कई दिनों घंटों तक कार्य कर सकता है। मान के चलिए अगर आपको कोई एक ही काम बार बार करने के लिए बोला जाए तो आपको कैसा लगेगा? जैसे कि अगर कहें आप किताब पढ़ रहे हैं, उसी किताब को आप बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, क्या आप पढ़ पाएंगे? नहीं। आपको क्या होगा? थकावट होगा, उबाऊपन होगा, फिर ध्यान डिस्ट्रैक्ट होगा, यानी कि इधर उधर कभी मोबाइल चलाने लगेंगे, कभी ये करने लगेंगे, कभी वो करने लगेंगे। लेकिन कंप्यूटर के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। इसे हम जितना कमांड देंगे एक ही चीज को वो बार बार करेगा, ठीक है, और वो भी समान शुद्धता से करेगा, कोई एरर भी नहीं देगा, ठीक है, और ये लगातार काम करता जाएगा। जब तक हम इसका जो है खाना पीना क्या है, इसका खाना क्या है, बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है और मेंटेनेंस, इसको कंटिन्यू देते रहेंगे तो लगातार कई घंटों कई दिनों तक एक ही काम को लगातार करता रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑटोमेशन यानी स्वचालित। ऑटोमेशन कंप्यूटर की बहुत बड़ी खूबी है, यह सौंपे गए कार्य को अपने आप पूरा कर देता है। आजकल का जमाना है ऑटोमेशन का है। अभी बहुत सारा देखना है, बहुत सारी मशीनें हैं, वहां इंसान नहीं रहता, बस इसको ऑन करके छोड़ देता है, वो मशीन अपना काम करते रहता है, तो ये सबसे बड़ी एडवांटेज है। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन यानी बातचीत। कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर से आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। कंप्यूटर एक दूसरे के साथ अपना डेटा भी आदान प्रदान कर सकते हैं। ये कम्युनिकेटिंग डिवाइस लैन वैन मोडेम वाईफाई ब्लूटूथ इत्यादि के द्वारा संपर्क में रहते हैं। अब ये क्या है, हालांकि इसके बारे में तो हमें डिटेल से पढ़ना है, तो इसका कहने का मतलब है कंप्यूटर क्या है, ये जैसे कि इंटरनेट है, ये क्या है, यानी कि दो कंप्यूटर यानी दो डिवाइस एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं। जैसे हमें कहीं यहाँ का डेटा कहीं और भेजना है, तुरंत सेंड हो जाएगा, वहाँ का डेटा मुझे लेना है, तुरंत आ जाएगा, ठीक है। और ये सब कैसे होता है, लैंड लोकल एरिया नेटवर्क मोडेम वाईफाई ब्लूटूथ, यही इसका कम्युनिकेशन का जरिया। जैसे हमारा जरिया क्या है, बोलते हैं हवा से होकर गुजरता है, दूसरे काम में पहुंचता है, इसलिए क्या है, लैन होना चाहिए, वैन होना चाहिए, वाईफाई होना चाहिए, ब्लूटूथ होना चाहिए, यानी कि एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए या वायर से भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कार्य विविधता। कंप्यूटर एक वर्सेटाइल मशीन है। सेकेंड है, कंप्यूटर एक साथ कई अलग अलग कार्य को कर सकता है। थर्ड है, इस पर एक साथ कई विषयों क्षेत्रों के कार्य किए जा सकते हैं। आप समझते हैं ये क्या होता है, तो कंप्यूटर एक मल्टीटास्किंग मशीन है। कंप्यूटर का आपका मोबाइल भी जो है वो भी एक मल्टीटास्किंग डिवाइस है, ठीक है। जैसे अगर हम कंप्यूटर अपना काम कर रहे हैं, जैसे कि कोई हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो बैकग्राउंड हम लोग गाना भी चालू कर सकते हैं, गाना सुनते हुए काम करते हैं, तो यही है इसकी कार्य विविधता, मल्टीटास्किंग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिलायबिलिटी यानी कि भरोसेमंद। तो कंप्यूटर एक भरोसेमंद और विश्वसनीय उपकरण है। सेकेंड, इसका जीवन कई वर्षों तक रहता है, इसलिए इस पर लंबे समय तक कार्य किया जा सकता है, और कंप्यूटर पार्ट्स को आसानी से रिप्लेस और मेंटेनेंस भी किया जा सकता है। अगर कोई भी पार्ट्स खराब होता है, जैसे कीबोर्ड खराब हो गया, माउस खराब हो गया, तो हम इसे तुरंत बदल सकते हैं, नया ला करके इसे चेंज कर सकते हैं और वो पहले की तरह वो काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। और ये भरोसेमंद होता है, ऐसा नहीं कि यार हम इसे कोई काम दिए तो ये काम बीच में छोड़ देगा, काम तभी छोड़ेगा जब इसका मेंटेनेंस हम ना कर पाए। नेक्स्ट क्या है, नेचर फ्रेंडली यानी कि प्रकृति का रक्षा। कंप्यूटर्स का सभी कार्य पेपरलेस होता है, और जिस कार्य के लिए पहले कागज की जरूरत होती थी वह भी कंप्यूटर से होने लगा है। इसलिए इसकी वजह से लाखों पेड़ कागज बर्ज से बच जाते हैं, इसलिए प्रकृति के रक्षक भी। अब जो जमाना है अब पेपरलेस का है। पहले क्या होता था, कुछ भी हम लोग को बनाना होता था तो हार्ड कॉपी पे टाइपिंग होता था, लिखते थे, अब उसका जमाना खत्म हो गया। अब हम लोग क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी, पेन ड्राइव में डालें, ईमेल पे डाल लिए, उसे जहाँ भी गए अपलोड किए डाउनलोड कर लेंगे, इससे हमारा कागज का बचत हो जाता है और ये इसलिए कॉस्ट भी कम पड़ता है, ठीक है। ये हो गया हमारा एडवांटेज। हम इसके देखेंगे इसका डिसएडवांटेज क्या है। अगर कहीं हमें फायदा होता है तो वहाँ नुकसान भी होता ही है। जैसे कि देखते हैं हम लोग, फर्स्ट में क्या है, नो इंटेलिजेंस, विवेक क्षमता का अभाव। तो
फर्स्ट पॉइंट है, कंप्यूटर में बुद्धि नहीं होती है। ऐसा लगता है कि कंप्यूटर बहुत तेज है, फास्ट है, लेकिन इसमें बुद्धि नहीं होती है। कंप्यूटर एक डब मशीन होती है जो सोच नहीं सकती है। ये सिर्फ दिए गए निर्देशों का पालन कर सकते हैं, कोई स्वयं का निर्णय नहीं ले सकता। यानी जो हम इसे कमांड देंगे सिर्फ उसी पे काम करेगा, खुद के सोचने समझने की क्षमता नहीं है। हालांकि अभी AI का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो वो भी मानव के द्वारा ही बना गया है। और कोड का ऐसा कॉम्बिनेशन होता है वो, कि अगर जो हम कमांड देते हैं उसके अकॉर्डिंग कोड में वो टैली करेगा और उसके अनुरूप वो डिजायर रिजल्ट प्राप्त करेगा जो हमें आउटपुट देता है। नेक्स्ट क्या है? ह्यूमन डिपेंडेंसी, मानव पर निर्भरता। तो स्वचालिता इसकी एक विशेषता होती है, स्वचालिता यानी ऑटोमेशन, ठीक है, कोई ऑटोमेटिक, मगर ये सिर्फ मानव द्वारा दिए गए निर्देशों का ही पालन कर सकता है। कंप्यूटर अपने आप कोई कार्य नहीं कर सकता है। ये कोई भी कार्य करने के लिए निर्देशों के लिए इंसानों पर ही निर्भर करता है। अगर हम जो भी इसे निर्देश देंगे तो ही वो काम करेगा, अदरवाइज वो कोई काम नहीं करेगा। और हम निर्देश दिए और उसमें कमांड है कि ये काम कंटिन्यू करते रहना, तो वो काम कंटिन्यू करता है, जिसको ऑटोमेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? नो इमोशंस, यानी कि भावनाएं रहित। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बेजान उपकरणों से बनता है। कंप्यूटर में हम इंसान की तरह फीलिंग्स, इमोशंस नहीं होते हैं। हमारे अंदर क्या है? सुख है, दुख है, इमोशन है, फीलिंग्स है, लेकिन कंप्यूटर में ये नहीं होता है। हालांकि मूवी में जो दिखाया जाता है कि कंप्यूटर रोबोट है, इसमें इमोशंस है, ऐसा हालांकि अभी कुछ है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? साइबर सिक्योरिटी प्रॉब्लम। सबसे बड़ी कमी यही है इसकी, कंप्यूटर पर बहुत सारे साइबर हमले का खतरा हमेशा मंडराता रहता है। वायरस, मेलवेयर, पासवर्ड चोरी करना, पेमेंट डिटेल्स चुराना, निजी डेटा चुराना आदि नुकसान जो है साइबर हमलों के जरिए आसानी से किया जा सकता है। हमारे साइबर हमला कैसे होता है? कोई इंसान ही करता है। इंसान ही ऐसा कोई सॉफ्टवेयर कोड बनाता है जिससे हमारा डेटा चुरा जा सकता है, इसलिए सिक्योरिटी इसका सबसे बड़ा खामी है। साथ ही कंप्यूटर का सारा डेटा डिलीट या फिर क्षतिग्रस्त किया जा सकता है। अगर आपका डेटा, फाइल, पर्सनल इंफॉर्मेशन जो भी है, अगर कोई डिलीट कर दिया तो वही हमारी क्षति हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, हैकर्स हमारे कंप्यूटर को अपने नियंत्रण में लेकर कुछ भी कर सकते हैं। अभी बहुत सी ऐसी घटनाएं होती है, जैसे कि किसी के ट्विटर हैंडल या सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ कुछ पोस्ट हो जाते हैं। वो कैसे होता है? हैकर उसे अपने कब्जे में ले लेते हैं और उसके फोन का या कंप्यूटर का मिसयूज करके उसका फायदा उठाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में आगे क्लास का टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।